हे गाइस वेलकम बैक टू सुनीता फूड एक्सप्रेस ब्लॉग में। तो गाइस आप आलू के कचौड़ी खाएंगे, दाल की कचौड़ी खाएंगे, प्याज की भी कचौड़ी खाएंगे, बट गाइस आज हम जो कचौड़ी बनाने वाले ना, आपने कभी सुना है ना कभी देखा है ना कभी खाया होगा। जी हाँ गाइस, आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन के बहुत ही चटपटे कास्ता कचौड़ी। यकीन नहीं होगा ये इतना टेस्टी इतना स्वादिष्ट है गाइस। अगर इसे आप एक बार बना के खाओगे गाइस, यकीन करो आप इसे बार बार खाना चाहोगे, 100% गारंटी। इसके साथ हम दमालू भी बनाएंगे, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग तरीके, जो आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसे दमालू बनाते हुए, ना आपने बना के खाया होगा। तो ज़्यादा देरी ना करते चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पे मैंने 8 से 10 मीडियम साइज का आलू छील के दो हिस्सों में कट करके धुल लिया है। 2 बड़े साइज का टमाटर भी डाले हैं, 4-5 हरी मिर्च काट के डाले हैं, 1 बड़े साइज का प्याज, 4-5 किले लहसुन का, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक। फिर इसमें हम डाल देंगे 1/2 लीटर यानी कि 1/2 लीटर पानी। कुकर का ढक्कन लगा देंगे, 4 से 5 सीटी होने तक गैस पे इसको रख देंगे दमालू के लिए। यहाँ पे मैंने सोयाबीन को 1 घंटा पहले भिगो के रख लिया था। सोयाबीन को गर्म पानी में, नॉर्मल पानी में फुला लेना है, ध्यान रखें। अब पानी सोयाबीन का अच्छे से निचोड़ के जार में डालेंगे, 4-5 हरी मिर्च, 4-5 लहसुन के कलियाँ डाल के बिना पानी डाले, एक बूंद पानी नहीं डालना, इसी तरीके से सोयाबीन को पीस लेना है। अब एक बाउल लेंगे, 1 कप आटा लेंगे, फिर इसमें आटे में गेहूं का नॉर्मल आटा ले लेना है। आटे में हम इसमें जो पीसे हुए सोयाबीन को डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा अजवाइन हाथ से क्रश करके डाल देंगे, थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे, 1 बड़ी चम्मच तेल डाल देंगे। कलौंजी और अजवाइन डालने से जो इसका फ्लेवर आता है ना कचौड़ी का, बहुत अच्छा आता है। अब हाथ की मदद से इसको डो लगा लेंगे आटे का। ध्यान रखें पानी पहले आप ना डालें, ज़रूरत के हिसाब से ही पानी डालें, क्योंकि सोयाबीन गीला होता है, पहले पानी डालोगे तो आटा आपका गीला हो जाएगा। तो हमारा आटा रेडी है कचौड़ी के लिए। इधर जो हमारा आलू दम है वो भी बहुत अच्छे सारे सब्जियाँ गल गया है। अब पोटैटो मैशर से इसको मैश कर लेंगे। चलो इसको फटाफट से तड़का लगा लेते हैं आलू दम में। अब 1 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, थोड़ा जीरा डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज, 3-4 लहसुन के कलियाँ काट कर मैंने डाला है, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और ब्राउन कलर होने तक इसको फ्राई कर लेंगे तड़के को। जब हो जाएगा तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे आलू दम में। देखो बन गया एकदम यूनिक सा आलू दम, ऊपर से हरा धनिया डाल के अच्छे से मिला देंगे, तैयार है हमारा आलू दम। चलो फटाफट से कचौड़ी की तैयारी करते हैं। अब थोड़ा सा आटा छिड़क लेंगे और थोड़ा सा लोई लेंगे, पूरी साइज़ का लोई लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, पूरी से थोड़ा मोटा बेलना है। इस तरीके से मैंने सारी कचौड़ियों को बेल लिया है। इधर तेल पहले से रख दिया, तेल गर्म होने के बाद 1-1 कचौड़ी हम डालेंगे। देख रहे हैं ना गाइस कितना अच्छे से फूले सारे कचौड़ियाँ, और जितने भी कचौड़ियाँ मैंने बनाए हैं गाइस सोयाबीन के, सारे इस तरीके से फूले हैं और ब्राउन कलर होने तक दोनों साइड बहुत अच्छे से फ्राई कर ले। लीजिए एकदम गर्मा गर्म कचौड़िया बन के रेडी है। तो गाइस आप भी अपने घर में इस तरीके से ट्राई एक बार ज़रूर करना, बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसान तरीका है सोयाबीन के कचौड़ी का, और बहुत ही चटपटा और बहुत ही खास्ता बनाया गाइस। तो एकदम गर्मा गर्म दमालों के साथ हम सर्व कर रहे हैं, इंजॉय करेंगे पूरी फैमिली के साथ। आप भी अपने घर में इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर करें दमालों के साथ। आप देख सकते हो कितना खास्ता बना है, ऊपर से जितना खास्ता अंदर से उतना सॉफ्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को